थोड़ा बहुत आपको बिस्नार मान रही हूँ, थोड़ा बहुत आपको कीमोथेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। कीमोथेरेपी जो है ना पेलिएटिव हो सकती है, क्यूरेटिव हो सकती है। क्यूरेटिव का मतलब कि किसी डिजीज को ट्रीट करके क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना चाह रहे हैं हम, कि पेशेंट ज़्यादा जिए। और पेलिएटिव का मतलब होता है कि हम सिंपली उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हम उसकी डिजीज़ को ठीक नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा स्टेज लेट स्टेज पर प्रेजेंट कर रही है या चली गई है अब, कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब हम जिस हद तक उसको सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और जिस हद तक उसकी डिजीज़ को उसकी बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं वो करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और वो हमें पता है 100% क्योर प्रोवाइड नहीं करेगा हमें, ठीक है। सो पेलिएटिव इज़ यूजली सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड क्यूरेटिव इज़ यूजली योर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब जो क्यूरेटिव है ना, इसमें दो चीज़ें आती हैं, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी एंड एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू से याद रखें न्यू, तो इसमें कीमोथेरेपी एक नए एजेंट की फॉर्म में आएगी। व्हाट डज इट मीन कि आप पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देंगे, उसके बाद उससे क्या होगा कि पेशेंट का ट्यूमर या जो भी कैंसरस मैस है या वट एवर द लीजन इज़, वो थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। जब वो श्रिंक हो जाएगी फिर उसको रिजेक्ट करना इजी हो जाएगा बॉडी से। सो न्यू एडजुवेंट एंड एडजुवेंट दोनों ही हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बट न्यू एडजुवेंट में फ़ायदा ये है कि ट्यूमर श्रिंक हो चुका होता है, और एडजुवेंट में भी फ़ायदा ये है कि आप पहले सर ट्यूमर को निकाल दो और फिर उसके बाद जो भी उसका बकाया जात रह गए हैं, जो भी रेमिनेंट्स रह गए हैं बॉडी में, उनके लिए कीमोथेरेपी दे दो। सो बोथ आर यूज हेयर, ठीक है। न्यू एडजुवेंट भी यूज़ होती है, एडजुवेंट भी यूज़ होती है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा और भी आपको बताना चाहिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिजेक्शन के अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। कीमोथेरेपी है, अगर ट्यूमर रेडियो सेंसिटिव है, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो गया, ठीक है, तो आप रेडियोथेरेपी कर सकते हो। रेडियोथेरेपी की ही एक फॉर्म है जो कि थोड़ी लोकलाइज्ड सी होती है। आप लोकलाइज कैप्सूल या कुछ ऐसी चीज़ दे देते हो कि ट्यूमर श्रिंक हो जाए, मतलब ट्रीट हो जाए वट एवर, तो उसको हम ब्रेकी थेरेपी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी है इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड ऑर्गन थेरेपी। उसके अलावा अगर बहुत छोटा ट्यूमर है तो आप उसको इसी तरह से डायसेक्ट करके निकालते हो, जैसे एसोफेजियल कार्सिनोमा में होता है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आप रेडियो एब्लेशन कर सकते हो। सो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस।